हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर इसमें। और ये हमारा फिस्कल सिस्टम एंड बजट बजटिंग की सीरीज चल रही है और हम दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये दोनों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो शुरू के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड लेट मी टेल यू, फॉर ऑल दी लेक्चर्स, मतलब जितने भी अपकमिंग लेक्चर हैं उसके लिए लेक्चर नंबर वन बेस है। अगर आपको लेक्चर नंबर वन समझ में नहीं आएगा तो आपको लेक्चर नंबर थ्री भी समझ में नहीं आएगा, ना ही लेक्चर नंबर टू समझ में आएगा। तो लेक्चर नंबर थ्री के जो भी टॉपिक्स हैं उसको समझने से पहले आप लेक्चर नंबर वन देखिए, बिकॉज आई विल नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन ऑफ द दैट मीन्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्चर नंबर वन। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले वी आर स्टार्टिंग विद मोनेटाइज डेफिसिट। देखिए, मोनेटाइज डेफिसिट को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1997 में, जिस टाइम पे मध्य प्रदेश में भूकंप आया था। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर डिस्कशन, बट जस्ट फॉर नॉलेज यू शुड नो कि मध्य प्रदेश में 1997 में अच्छा बड़ा भूकंप आया था। देखिए, अब हम 1997 में तो आ ही गए हैं, तो अब थोड़ा सा मोनेटाइज डेफिसिट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, शुरू शुरू में क्या होता था, आपने देखा कि गवर्नमेंट को डेफिसिट हो रहा है। आपने देखा ना कि गवर्नमेंट को 3.2% का डेफिसिट हो रहा है, ये 3.5% का डेफिसिट हो रहा है, तो अब गवर्नमेंट को वो डेफिसिट कवर भी तो करना पड़ेगा ना। मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा उधारी कहां से लेगी गवर्नमेंट। तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, किसी से उधारी नहीं लिया करती थी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलती थी आरबीआई को कि सर हमें जो जितना भी पैसा कम पड़ रहा है 3.2% का, उसके लिए आप नोट्स प्रिंट कर दो, मतलब करेंसी प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अब देखिए, अब पूरा पूरा तो ये जो कंट्री थी हमारी, जो गवर्नमेंट थी, वो पूरा पूरा पैसा तो कम प्रिंट नहीं करवाती थी। मतलब हर साल अगर मान लीजिए उस टाइम पे कि हमारा डेफिसिट तो 8-9% था, तो इतना अगर प्रिंट करवाती तो हमारी पूरी जो इकोनॉमी थी, मतलब जो कंप्लीट जो रुपी था वो डिवेल्यूएट कर जाता। मैंने आपको याद करी मॉनेटरी पॉलिसी में बताया था कि अगर ज्यादा रुपीज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो वैसी वाली कंडीशन हो जाती। तो गवर्नमेंट क्या करती, पहले जहां जहां से पैसा मिलता, मतलब उधारी मिलता, वहां वहां से ले लेती। लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए फिर गवर्नमेंट का 3-4% अगर कहीं से उधारी नहीं मिल पाती, तो गवर्नमेंट फिर आरबीआई को बोलती थी कि सर आप क्या करिए, अब तो आप हमारे लिए नोट्स ही प्रिंट, मतलब करेंसी प्रिंट कर दीजिए, हम उसी से अपना खर्चा चला लेंगे। तो वो मनी, मतलब वो डेफिसिट जो कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से पूरा किया जाता था, उसे मोनेटाइज डेफिसिट बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3.2% का गवर्नमेंट का डेफिसिट आया, अब गवर्नमेंट को 3% का लोन तो मिल गया, ठीक है, लेकिन 0.2% का लोन नहीं मिल पाया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी सर आरबीआई से कि सर आप क्या करिए, 0.2% का हमारे लिए करेंसी प्रिंट कर दीजिए। ये 0.2% फिर हमारा कहलाएगा मोनेटाइज डेफिसिट, मतलब वो पार्ट जिसे, मतलब गवर्नमेंट ने कहां से कंप्लीट किया है प्रिंट करवाना, मतलब करेंसी प्रिंट से। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। लेकिन इसे 1997 के बाद बंद कर दिया गया है। ठीक है, 1997 के बाद इसे कंप्लीटली बंद कर दिया गया है, उसके बाद यूज नहीं किया जाता है। वो क्यों बंद कर दिया, वो तो हम आगे जब शुरू में, मतलब एट दी एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आने वाला है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की अब कहानी ऐसी है, आप सुन के थोड़ा खुद ही हंसने लगेंगे। 2014 फाइनेंस कमीशन थी, ठीक है, उसने बोला गवर्नमेंट को 5 साल पहले, मतलब बोला गवर्नमेंट को कि जरा आप इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना चालू। ठीक है, लेकिन उसके 5 साल बाद 14 फाइनेंस कमीशन आ जाती है हमारी, उसकी रिकमेंडेशन आगे हम डिस्कस करेंगे। उसने बोला कि सर आप ये जो ईआरडी है उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। मतलब क्या क्या मजाक लगा कर रखा, पहले आप बोलते हैं चालू करो फिर बोलते हैं बंद करो, मतलब हमारे पास यही सब काम पड़ा है क्या। तो इस टाइप की कुछ ट्रेजेडी हुई थी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के साथ। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को पहली बात तो बता दूं, ये कैसे लाया गया था, मतलब यूज में, देखिए फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया, तो अब गवर्नमेंट सोचेगी चलो फाइनेंस कमीशन ने बोला है, इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो मान ही लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011-12 में क्या किया, एफआरबीएम एक्ट में अमेंडमेंट लाई और उसके अंदर ईआरडी वाला एक क्लॉज डाला। एफआरबीएम एक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो डोंट टेक एनी टेंशन। अभी ईआरडी काम कैसे करता है, ठीक है, वो समझेंगे सबसे पहले। तो हम देखिए, आपको अगर याद होगा गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट, उसमें जो मेजर पार्ट था वो ग्रांट से नीड्स थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट अपना मैक्सिमम खर्चा ग्रांट से नीड्स में करता है, मतलब कि जो स्टेट्स यूपी बिहार और फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सबको जो फ्री में भीख देता है उन सब के बारे में। ठीक है, ओ कोई भी यहाँ पर, मतलब बिहार यूपी का नॉट टेक इन नेगेटिव टर्म्स, ठीक है, मतलब जस्ट फॉर जो का है सेड। तो मतलब जो बोला जाता है, मतलब ये जो गवर्नमेंट अपना जो ग्रांट से नीड्स दिया, ठीक है, अब देखिए ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो आप समझ रहे हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। गवर्नमेंट ने मतलब एक्सपेंड कर दिया, मतलब इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा, कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा, ना ही गवर्नमेंट को पैसा कभी वापस मिलेगा। तो ये हो गया इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन ये तो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल यूपी बिहार, इन सबका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। अब कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है,
अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने थी उसने ग्रांट सेनेट दी, ठीक है, मान लीजिए यूपी को उन्होंने 100 रुपए की ग्रांट सेनेट दी। अब यूपी ने 50 रुपए मान लीजिए अपने ये जो मंत्रियों के खर्चे में लगा दिए, मतलब पेमेंट देने में, इन सब काम करने में, जहां से यूपी को भी कोई फायदा नहीं होगा, 50 रुपए मतलब समझ लीजिए उसके चले गए। लेकिन यूपी के 50 रुपए अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, यूपी के अभी भी 50 रुपए बचे हुए हैं। अब मान लीजिए यूपी ने उस 50 रुपए से रोड्स बनवा दी, ठीक है, तो एक तरीके से तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना। अब यूपी गवर्नमेंट को तो पैसा मिलना चालू हो गया, यूपी गवर्नमेंट को टोल टैक्स मिलना चालू हो गया, अब वहां पर इन्वेस्टमेंट आना चालू हो जाएगी, तो एक तरीके से पूरी गवर्नमेंट को ही फायदा हुआ ना, इंडियन गवर्नमेंट को ही फायदा हुआ। तो आपने यहां पर एक चीज देखी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये पैसा तो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट इसका अगर 50% कहीं इन्वेस्टमेंट पे लगा दे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो यहीं से आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए अब यहां पर मतलब जो हमारी 13th फाइनेंस कमीशन थी उसने गवर्नमेंट को बोला कि देखिए आप कैलकुलेट करिए कि जो आपने 100 रुपए दिए, ठीक है, गवर्नमेंट मान लीजिए टोटल 100 रुपए दिए हमारे ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे, मतलब अब गवर्नमेंट को 100 रुपए वापस नहीं मिलेगा। और इसमें से आप देखिए, मतलब फाइनेंस कमीशन ने बोला कि इसमें से आप ये देखिए कि ये जो पैसे मिले इसमें से कितने पैसे जो स्टेट गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किए, मतलब कि इन्वेस्टमेंट बनाने में, मान लीजिए सिर्फ 20 रुपए खर्च किए, तो आप अपने 100 में से ये 80 रुपए घटा दीजिए, मतलब 20 रुपए तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया ना, कि स्टेट ने खर्च किया या आपने खर्च किया, मतलब फायदा तो हुआ ना, मतलब पूरे गवर्नमेंट को फायदा हुआ। तो आपका ये जो 20 रुपए बचा इसे आप अपने ये रेवेन्यू डेफिसिट में कैलकुलेट नहीं करिए, मतलब ये जो आपका डेफिसिट हुआ रेवेन्यू डेफिसिट में कैलकुलेट नहीं करिए, आप उसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में कैलकुलेट, मतलब ये बताइए कि हमने जो 20 रुपए दी, मतलब जो 100 रुपए दिए थे उसमें से 20 रुपए गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंटरेस्ट लगा दिया, इसलिए हम उसे अपना आरडी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या हुआ कि हमारी ये जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं आप इसे कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए। अब आपको देखने में तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब आपको अच्छी कॉन्सेप्ट लगेगा, आप ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट का पूरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ी ना बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ उससे, अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत उससे फायदा हुआ, इन्वेस्टमेंट आएगी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हुआ है क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, तो ये सही कॉन्सेप्ट था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने क्यों मना कर दिया, क्यों बोला कि नहीं इसे कैलकुलेट करना बेकार रहेगा, तो वो हम पढ़ेंगे जब 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन देखेंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए, ठीक है। अब लेकिन जो गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो गवर्नमेंट कहां से कवर करती है, ठीक है, कहां से गवर्नमेंट को पैसा वापस मिलता है, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब ऐसा मैकेनिज्म जहां से गवर्नमेंट अपना डेफिसिट जो 3.25% ये सब जो डेफिसिट हुआ इसको जो कवर करती है, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आपको जो 10 रुपए की कमी पड़ रही थी एग्जांपल में अपने, वो आपने कहां से लिया था, अपने दोस्त से उधारी लिया था, तो वो आपका मैकेनिज्म हो गया डेफिसिट फाइनेंसिंग का, ठीक है, पूरे मैकेनिज्म को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। कुछ लोग उसे मतलब दैट मींस कंफ्यूज कर जाते हैं किससे, हमारे करेंसी प्रिंटिंग से, कुछ लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब करेंसी प्रिंटिंग, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल ट्रू, मतलब कुछ लोग सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब करेंसी प्रिंटिंग ही समझते हैं, देखिए ये सही नहीं है, इसका और भी बड़ा मैकेनिज्म है जो हम आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। तो आप समझ गए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग एक मैकेनिज्म होता है जिससे मतलब गवर्नमेंट अपना जो भी डेफिसिट रहता है उसको ब्रिज करती है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो गवर्नमेंट अपना कैसे मतलब डेफिसिट बिल्ड करना चालू करती है, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए इस बार गवर्नमेंट को 5% का डेफिसिट पड़ गया, ठीक है, अब गवर्नमेंट को ये बिल्डअप तो करना है, तो कैसे बिल्डअप करेगी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जाएगी पब्लिक के पास, ठीक है, पब्लिक के पास जाएगी मतलब जो मार्केट से पैसा उठा लेगी, इंडिविजुअल या मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंडिविजुअल से पैसा उठाएगी, ठीक है, तो वो पब्लिक से पैसा उठाया। इसके बाद गवर्नमेंट जाएगी बैंक्स के पास कि बोलेगी भैया लोन दे दो, ठीक है, अगर बैंक्स का भी कंप्लीट इसके बाद भी अगर पूरा नहीं हुआ डेफिसिट तो उसके बाद एनबीएफसी के पास जाएगी, मार्केट पे जाएगी, ठीक है, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, वहां पर भी जाएगी। उसके बाद भी अगर पैसा मतलब पूरा नहीं हो पाया, देखिए मतलब देखिए मार्केट में ऐसा नहीं है पैसों की कमी है, लेकिन अगर आप ये सोचिए आरबीआई ने अगर पूरा पूरा पैसा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा, अगर कंज्यूमर को पैसा नहीं मिला तो फिर डिमांड कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, आप सब जानते हैं जब तक कंज्यूमर डिमांड नहीं करेंगे तो हमारे मुकेश अंबानी जैसे लोग नई नई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे वो लोग तो कैसे फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो
जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो आरबीआई को तो ग्रोथ भी देखना, अगर आपको याद हो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर, मैंने आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बताया था, आरबीआई को सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं देखना, आरबीआई को ग्रोथ भी देखनी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई पूरा पूरा पैसा गवर्नमेंट को नहीं देते। तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, ट्राई करती है कि पब्लिक से पैसा दिलवा दे, बैंक से पैसा दिलवा दे, एनबीएफसी से पैसा दिलवा दे। लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं गवर्नमेंट को पूरा पैसा चला जाएगा, तो उसके बाद आरबीआई क्या करती है, करेंसी प्रिंट कर देती है, बोलती है कि नहीं नहीं अब आप रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा, अब आप सिंपल एक चीज करिए, आप सिंपल सिंपल हमसे करेंसी प्रिंट करवा लीजिए, नहीं तो हम तो कंज्यूमर को पैसे नहीं दे पाएंगे, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, जो आपने हमें जो ऑब्जेक्टिव दिया तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आरबीआई करती है। अब देखिए आगे एक और चीज आती है हमारे सामने, वो है ये कि अब देखिए अब लगातार गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पैसे लगातार बोरो पे बोरो करते जा रही थी। अब जो पैसे बोरो नहीं हो पाते उसके लिए आरबीआई को बोलती थी कि सर आप जाइए पैसे प्रिंट कर दीजिए और हमें दे दीजिए। तो उससे क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट की हेल्थ खराब हो रही थी, मतलब ये नहीं गवर्नमेंट का पेट खराब हो रहा था या ऑल थिंग, मतलब ये कि गवर्नमेंट की, आपने देखा कि क्रेडिट रेटिंग में, देखिए अगर आपको याद हो कैपिटल मार्केट के एंड में मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चैप्टर बताया था, वहां पर आपको बताया था कि गवर्नमेंट को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में रेटिंग मिलती है AA+, B+। ठीक है, तो अगर देखिए अगर यहाँ पर गवर्नमेंट लगातार नोट प्रिंट करती रहेगी तो जो रुपी है वो डिप्रिशिएट करता जाएगा हमारे यहाँ, जब रुपी डिप्रिशिएट करता जाएगा तो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में हमारी रेटिंग गिर जाएगी, हमारी रेटिंग गिर जाएगी तो बाहर से हमें जो लोन मिलेगा वो बहुत ही महंगा मिलेगा। आप सब जानते हैं, अगर मैंने आपको अगर याद हो मनी मार्केट में बताया था, अगर आपका लोन रिस्की है मतलब आपकी अगर कंडीशन बेकार है तो आपको लोग आपसे लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेंगे। ठीक है, तो सेम इन द सेम वे यहाँ पर इंडिया के साथ भी होगा। तो इंडिया चाहती थी कि हमारी जो हेल्थ खराब हो चुकी है इतना नोट्स प्रिंट करने से, करेंसी प्रिंट करने से, उसे हम बंद करें। ठीक है, तो उसके लिए फिर फाइनली एट द एंड एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया जिसका नाम था वेज एंड मींस एडवांसेस। ठीक है, क्या सिस्टम डिस्कवर किया गया, वेज एंड मींस एडवांसेस। तो हम देखते हैं कि नया सिस्टम क्या है, मतलब 1997 में इसे कंप्लीट पुट ऑफ कर दिया गया, मतलब 1997 में डिसाइड किया कि अब आरबीआई रहेगी। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल डेफिसिट को बिल्ड अप करने के लिए बिल्कुल भी करेंसी प्रिंट नहीं करेगी, अगर जरूरत होगी सिर्फ तभी करेंसी प्रिंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ 12,000 करोड़ की करेंसी प्रिंट की गई या अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल बाद प्रिंट की गई है, मतलब हमारे सिर्फ सिर्फ तभी करेंसी प्रिंट की जा रही थी अगर नोट्स खराब हो गए, मतलब नोट्स में अगर आपने कुछ लिख दिया है या फिर गल गए हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए करेंसी प्रिंट की जा रही थी। मतलब 1997 के बाद अभी तक गवर्नमेंट ने मतलब अपनी ये जो जितनी भी मतलब ये जो पैसा कंजम्पशन हो रहा था उसके लिए फिस्कल डेफिसिट के लिए एक रुपए भी प्रिंट नहीं करवाए। इसलिए अगर आपको याद होगा मैंने बताया था 1997 में मोनेटाइज डेफिसिट को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भैया अब तो हम नोट्स प्रिंट करने ही नहीं वाले, तो मोनेटाइज डेफिसिट क्यों भी मतलब कैलकुलेट करें। ठीक है, यही रीजन था जिसकी वजह से मोनेटाइज डेफिसिट बंद कर दिया गया। अब हम समझते हैं कि वेज एंड मींस एडवांसेस जो नया मेथड है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं इसने डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर जो नोट वाला मतलब दैट मींस जो कंप्लीट नोट प्रिंट वाला सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब ये नया मैकेनिज्म कंप्लीट, जो पहले देखिए पहले गवर्नमेंट का जो बिल्डअप रहता था, गवर्नमेंट का जो भी डेफिसिट रहता था वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के मैकेनिज्म से बिल्डअप करते थे, मतलब उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर पैसे दिए जाते थे। लेकिन अब जो पैसा दिया जाएगा वो वेज एंड मींस एडवांसेस के अंदर पैसे दिए जाएंगे, मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग बंद हो गई। ठीक है, इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मतलब क्या हुआ वहां पर, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम नोट्स प्रिंट करने नहीं देंगे तो लोगों ने डेफिसिट फाइनेंसिंग से कंफ्यूज कर लिया, लेकिन वैसा नहीं है। ठीक है, आप समझ गए वैसा क्यों नहीं है। ठीक है, बेस एंड मींस एडवांसेस के अंदर सबसे पहले दो चीजें बंद की गई। ठीक है, कौन कौन सी दो चीजें बंद की गई, सबसे पहले बंद किया गया ये कि हमारी जो आरबीआई है वो करेंसी प्रिंट नहीं करेगी। ठीक है, और दूसरा ये बंद किया गया कि अब गवर्नमेंट एडहॉक ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करेगी। अभी एडहॉक ट्रेजरी बिल्स क्या है, देखिए गवर्नमेंट पिछले टाइम्स मतलब जब डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों से, बैंक से, एनबीएफसी से या मार्केट से पैसे नहीं लेती थी, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो बाकी स्टेट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, कनाडा, दैट नॉट कनाडा, कर्नाटका एंड ऑल दीज थिंग्स, वह उनसे भी पैसे लिया करती थी। कैसे पैसे लिया करती थी, उन लोगों को क्या किया करती थी, फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए की सिक्योरिटी बना के दे दी। ठीक है, बोल दी ये लो 100 रुपए की सिक्योरिटी स्टेट्स को दे दी, अब स्टेट्स को मिल गए पैसे, मतलब सिक्योरिटी मिल गई, और स्टेट्स बोल दी कि ये लो तुम पकड़ो 100 रुपए और हमें आप इसे 10% ब्याज देना। तो क्या करती थी स्टेट्स, मतलब ब्याज कमाने के चक्कर में कि ये जो पूरे पैसे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को उठा के दे दिया, जो भी ने ग्रांट एंड एड मिला करती थी उसको वो लोग दे दिया करते थे किसको, हमारे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, डेवलपमेंट नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चीज देख रहे हैं ना कि मतलब पूरा पैसा तो ये लोग मतलब इस तरीके से उनके पैसा मतलब इंटरेस्ट कमाने की, स्टेट को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग की वो लोग पेमेंट बढ़ा पाएंगे, समझ रहे हैं,
उसके लिए ये लोग डेवलपमेंट नहीं करते थे, पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को उठा के दिया करते थे। तो ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अच्छा नहीं लगता था और फाइनली इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब क्या क्या डिसकंटिन्यू किया गया, दो चीजें डिसकंटिन्यू गई। पहली चीज तो ये कि करेंसी प्रिंट नहीं की जाएगी और दूसरी चीज एडहॉक ट्रेजरी बिल अब इशू नहीं किए जाएंगे इस मैकेनिज्म के अंदर। तो मैकेनिज्म काम कैसे करेगा, देखिए इस मैकेनिज्म काम करने का क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, ऑल द 29 स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये सब के सब आरबीआई के साथ एक एक अकाउंट खोलेंगे। मतलब टोटल इन टोटल 30 अकाउंट्स खोले जाएंगे। अब जैसे कि हमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, इन द सेम वे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अब वो मिनिमम बैलेंस क्या होगा, वो मिनिमम बैलेंस होगा आपकी जो लास्ट 3 इयर्स की जीडीपी रही है उसका एवरेज कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया की मान लीजिए लास्ट 3 इयर्स में जीडीपी 6.5% रही है, आप उनका एवरेज निकालेंगे और जितना आपका आएगा उतना आपको उस मिनिमम बैलेंस में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं रखेंगे आपको पेनल्टी लगेगी, आपको आगे सर्विसेज नहीं दी जाएगी एंड ऑल दीज थिंग्स आपके साथ की जाएगी, ठीक है। और एक चीज और याद रहेगा, ये जो सर्विस है ये स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑफर है। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये सर्विस मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ एक राज्य को नहीं दी जाती है, वो है सिक्किम। बाकी सारे के सारे राज्य को ये वाली जो सर्विस है वेज एंड मीन्स एडवांसेस की वो दी जाती है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग बंद करके वेज एंड मीन्स एडवांसेस सबके वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सर्विस सबको दी जाती है, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा अभी ये प्रोसेस कैसे चालू होगी। सबसे पहले तो स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, या स्टेट्स मतलब या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें बिगनिंग में बताना पड़ेगा कि उनका फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बता दी कि भैया हमारा साल का फिजिकल डेफिसिट रहेगा 3.2%, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगी, उसके हिसाब से अपना पूरा पैसा बना के रख लेगी। मान लीजिए हमारी मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2% रखेंगे, इसने बोला 3%, इसने बोला, तो कंप्लीट आरबीआई उसके हिसाब से स्टॉक बना के रख लीजिएगी कि हाँ इतना हमें पैसा देना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहीं से भी मतलब आरबीआई कहीं से भी एडजस्ट करके उस पूरे जो अकाउंट पे रहेगा पूरे सिस्टम में ला के रख देगी। अब उसके बाद क्या होगा, अब जब मान लीजिए 3.2% का डेफिसिट तो हो गया, वो तो पक्का हो गया कि 3.2% का डेफिसिट लगना है, तो सबसे पहली बार आरबीआई क्या करेगी, 90 डेज के लिए 3.2% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। बोलेगी ये लोग पकड़ो 3.2% और हमें रेपो रेट पे इंटरेस्ट देना। याद करिए रेपो रेट क्या था हमारा, ठीक है, सेम उसी रेट पे मतलब आरबीआई बोले कि आप हमें 90 दिन में इतने रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से हमें पैसा वापस कर देना। अगर मान लीजिए कि 3.2% आपने देखा कि लगातार 3.2% 3.5% डेफिसिट हो गया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 0.3% पैसों की जरूरत पड़ गई है, मतलब और 0.3% पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो अब आप क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा लोन लेना पड़ेगा। तो दोबारा ये लोग जाएंगे आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई इस बार बोले कि देखो भैया जो आपने 3.2% बोला था बिगनिंग में वो तो आप खर्च कर चुके हैं, तो अब हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। मतलब हम आपको फेस एंड मीस एडवांसेस के अंदर पैसा नहीं देंगे, अब हम आपको ओवरड्राफ्ट के अंदर पैसा देंगे। अगर मान लीजिए स्टेट्स ने मान लीजिए 100 रुपए की मांग की थी, मतलब मान लीजिए उनका 3.2% डेफिसिट कितना हो रहा था, 100 रुपए हो रहा था, अगर वो लोग इसका 100% मांगते दोबारा, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 100% मांग रहे हैं मतलब उतना ही पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, या उससे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। मान लीजिए जितना पहले पैसा दिया था फेस एंड मीस एडवांसेस के अंदर उससे या उससे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 2% हायर रहेगा। मतलब जितना पहले इंटरेस्ट रेट दिया था उसे 2% हायर रहेगा। फॉर एग्जांपल पहले इंटरेस्ट रेट 6% था तो अब इंटरेस्ट रेट 8% रहेगा, ठीक है, अगर आपका जो कंप्लीट आप पैसा 100% ऊपर मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पैसा आप 100% से कम मांग रहे हैं, मतलब जो पहले आपने पैसा लिया था उससे कम मांग रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ 5% ऊपर रहेगा। सॉरी यार देयर इज अ मिस्टेक, फाइन, या मतलब यहाँ उल्टा है, वाइस वर्सा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है। मतलब 2% तब लगेगा जब आप 100% से कम पैसा मांगे और 5% जब लगेगा आप 100% से ऊपर पैसा मांगे। सॉरी फॉर द मिस्टेक, आप सब जानते हैं पीपीटी बनाने में बहुत सारी पीपीटी बनानी पड़ती है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, फाइन, सॉरी फॉर दैट। और ये जो ओवरड्राफ्ट का पैसा है, ठीक है, जो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रही है वो 10 वर्किंग डेज में वापस करना है या फिर 14 डेज में वापस करना है। अगर ऐसा नहीं कर पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आरबीआई अपनी जितनी भी असिस्टेंस है, मतलब नोट्स प्रिंट करना या फिर गवर्नमेंट की हेल्प करना, गवर्नमेंट की बात मानना, ये सब आरबीआई उसी टाइम पे सारी की सारी सर्विसेज बंद कर देगी। बोलेगी कि हम आपको कोई सर्विस नहीं देंगे जब तक हमारा पैसा वापस नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हमारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस का पूरा कॉन्सेप्ट, तो आप समझ गए कैसे आरबीआई ने
डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम किया और कैसे यहाँ पर गवर्नमेंट को पर जब देखना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट को पहले फिस्कल डेफिसिट मतलब जो डेफिसिट फाइनेंसिंग था उसमें आखिर में पूरा पैसा मिल ही जाता था जितना भी गवर्नमेंट डिमांड करे 10% 15%, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही जा रहा है। पहले जब 2% इंटरेस्ट रेट लग रहा था अगर 100% से कम पैसा है, और यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगने लगा, तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट भी सोची कि यार यार कौन इतना इंटरेस्ट है आरबीआई को, ऊपर से आरबीआई यहाँ पर रेसिस्टेंट भी बंद कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कम से कम रखा जाए। इसलिए आप देख रहे हैं पिछले जब से मतलब 1997 के बाद जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका फिस्कल डेफिसिट है वो कम पे कम होते जा रहा है, मतलब 3.2% हो गया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेस्ट एंड मीन्स एडवांसेस डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, साथ ही मैंने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी डिस्कस किया। देखिए जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपको समझ में नहीं भी आया है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लीजिएगा, जस्ट बिकॉज कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ईआरडी क्या होता है। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एफआरबीएम एक्ट क्या है, एनके सिंह कमेटी क्या थी, फिस्कल एक्टिविज्म क्या है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू, नाइस डे।